हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दी सिगोरिन डिफेंस की सीरीज की। तो सिगोरिन डिफेंस के बहुत सारे वीडियोज मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। आज एक और वेरिएशन देखेंगे थर्ड NF3 के बारे में, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था। D4, D5 और C4, ये मूव के बाद क्वींस गैम्बिट जब सामने वाला खेलता है तभी आप सिगोरिन डिफेंस खेल सकते हो। ध्यान रखो, आफ्टर क्वींस गैम्बिट यहाँ पे आपको खेलना है Nc6। अब अलग अलग मूव्स की बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे Nf3। इतने मूव्स के बाद वाइट जब Nf3 करता है, यहाँ आपको करना है Bg4। अब मेन जो पैटर्न मूव है पॉन टेक्स पॉन, मेन लाइन में ही हम जाएंगे, पैसे जो इंटरनल लाइन है वो मैं बात को बताऊँगा। कई लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि Qd5 कर देते हैं, लेकिन सिगोरिन में Qd5 अच्छी मूव नहीं है। यहाँ पे आपको नाइट कैप्चर करना है Bf3। E takes f3 ये बहुत ही बैड मूव है, ज़्यादातर लोग G takes f3 करते हैं सेंट्रलाइज पॉन करने के लिए। G takes f3 में जहाँ आपको Qd5 करना है। अब सारे मूव फोर्स होंगे, जैसे कि ये पॉन पे प्रेशर है। नया वीडियो जो है आज का वीडियो, उसमें थोड़ा मैंने मूव भी ब्लैक की ओर से चेंज किया है। E3 ये पॉन सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको करना है E5, Nc3। वाइट ट्राई करेगा क्वीन पे अटैक करने के लिए, यहाँ आपको बिना क्वीन हटा है क्वीन को बचाना है। ये ध्यान रखना, सिगोरिन में ज़्यादातर हम क्वीन की मूव बहुत कम करते हैं। Bb4 आफ्टर Bd2, यहाँ भी आपको क्वीन बचाने की जरूरत नहीं है, सिंपल Bb takes knight करना पड़ेगा। आफ्टर Bb takes सबसे बेस्ट मूव है Bd3। एक वेटिंग मूव के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि Qd6, ताकि वो पॉन पुश कोई भी पॉन पुश नहीं हो सके। आप दूसरी तरीके से भी आज खेल सकते हो, मैं दूसरा वीडियो इसलिए बनाया सेम लाइन में कि आप दो, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। आप यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन करके पॉन टेक्स पॉन देन Ne7 ये वेरिएशन भी खेल सकते हो। एंड गेम में ब्लैक की फेवर में बहुत ही अच्छा है वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे क्वीन साइड सिर्फ एक पॉन रहता है वाइट का, जबकि ब्लैक की पॉन मेजोरिटी रहती है। तो एंडिंग ब्लैक की फेवर में है, आइसोलेटेड दो दो पॉन है, डबलिंग पॉन है, तो ये सारे फायदे आपको एंड गेम में मिलने वाले हैं। तो धीरे धीरे परफेक्ट पोजिशनल जो प्लेयर है उसे ऐसे ही खेलना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने खास ये वीडियो बनाया कि पोजिशनल प्लेयर अच्छी तरह से एंड गेम ला सकते। एक और वेरिएशन है बिशप क्रॉस, मतलब जो हमने देखा, फिर से देखते हैं D4, D5, C4, Nc6, Nf3, Bg4, पॉन टेक्स पॉन, Bb takes knight। यहाँ पे हमने देखा कि ये पॉन से कैप्चर करना, ये पॉन से कैप्चर करना, और Bb takes पॉन टेक्स नाइट भी कर सकते हैं। अगर वो पॉन टेक्स नाइट करता है Dxc6, तो सिंपल आपका Bb c6 पे आ जाएगा। और पोजिशनली ब्लैक बहुत ही स्ट्रांग होता है ये लाइन में, तो वाइट ज़्यादातर ये लाइन नहीं खेलते, फिर भी कैसे खेले ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद वाइट Nc3 करता है, वाइट का आइडिया है D5 का। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे D5 को स्टॉप करते रहना है, इसलिए आपको खेलना है E6। मूव आपको खुद ब खुद बोर्ड के ऊपर याद आ जाएंगे पोजीशन देख, बहुत डिफिकल्ट है नहीं, आपको सिर्फ D5 स्टॉप करना है। E6 के बाद वाइट खेलेगा E4, अगेन D5 की थ्रेट है, यहाँ आप स्टॉप कर सकते हैं Bb4 से पिनिंग करके। अब उसके E4 पॉन पे ऊपर थ्रेट है, हम ले सकते हैं, वो नाइट पिन हो गया, तो उसे बचाने के लिए एक ही सही मूव होती है F3, क्योंकि Bd3 पॉसिबल नहीं है। आफ्टर Qd4 ब्लैक पॉन अप हो जाएगा, तो F3 एक कंपल्सरी मूव रहती है इसमें। उसके बाद
आपको करना है क्वीन एच फोर चेक, अब पूरी पोजीशन डिस्टर्ब करनी है। चेक सेव करने के लिए एक ही बेस मूव है जी थ्री और यहाँ पे क्वीन एच फाइव। ये पोजीशन के बाद आप काफ़ी अच्छा ब्लैक से खेल सकते हो। तो सिक्योरिन डिफेंस में थर्ड एन एफ थ्री में ई टेक्स बी, मतलब हमने तीन चार मूव जैसे कि जी टेक्स एफ थ्री, ई टेक्स एफ थ्री और डी टेक्स सी सिक्स, हमने पहले जो देखा था वो जी टेक्स एफ थ्री, ई टेक्स एफ थ्री और पॉन टेक्स नाइट, ये तीनों वेरिएशन मैंने आपके सामने रख दिए। अब तैयारी कैसी करनी है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कितनी मेहनत गेम खेल के आप करते हो, उसके बाद आपकी गेम बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। थर्ड एन एफ थ्री से सिक्योरिन ख़त्म नहीं होता, बहुत सारे वेरिएशन है मेरे पास और सारे वेरिएशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बैक टू बैक सभी वेरिएशन आपको मिलते रहेंगे, जल्द ही मिलेंगे नए वेरिएशन के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।